हे गाइस वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। यार कैसे हो आप सभी लोग? होपफुली सभी लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस आज के इस एपिसोड में हम लोग वापस एक बार करने वाले डंजन को, बिकॉज जैसे कि तुम लोगों को बताया कि फाइनली वैलेंटाइन का वीक आ चुका है, तो आर्क ने भी यहाँ पे 7 डेज के लिए 7 न्यू डंजन लाई है। न्यू मतलब पहले की न्यू वो है, बट वही 7 लाई है, जिसमें कि आज के हम लोग डंजन कर रहे हैं। बिकॉज मैंने ऐसा सुना है कि इस डंजन के अंदर जो यूनिकॉर्न मिल रहा है, इसलिए हम लोग ये डंजन करेंगे। बाकी मेगापिथिकस वगैरह को भी हराएंगे और बॉस को। एंड यहाँ पे मिलो भाई मेरे इस बैनी से। ये एक एक्चुअली फीमेल पेटोडॉन है, जो मैंने पिछले एपिसोड में नहीं, ये मैंने ऑफलाइन टेम किया था। सीन ऐसा है कि मैं पहले भी कर सकता, मतलब एपिसोड में करता हूँ, टोटल वेस्टेज हो जाता है, टाइम वेस्ट हो जाता बहुत सारा, तो इसलिए मैंने जो इसको ऑफलाइन कर लिया। बिकॉज इसमें क्यों एपिसोड लाओ, वैसे ही पहले ही गालियाँ पड़ती रहती और क्यों एपिसोड लाओ मैं इस पर। सो इसलिए मैंने इसको ऑफलाइन टीम किया। बाकी यहाँ पे अपना पेवड़ा सेन बेवड़ा सेम, इसका पता नहीं क्या नाम है, पेवर सेडिन वगैरह कुछ तो नाम है, डेन फैमिली, मिस्टर डेन मिसेस डेन चलता रहता है वो। और यहाँ पे लीजा भी फिलहाल फास्ट है, इसलिए मैंने इसको रखा है। बाकी ये मेरा एंकी है, जो कि एक फीमेल एंकी है, और इसका मेल एंकी आई थिंक मैं वहाँ पे छोड़ गया। ये देखो ये इरिच हुआ है वहाँ पे, मतलब मैं उसको शायद के ऊपर, वो कहाँ बोलते हैं, मेटल वाली जगह पे छोड़ गया, वो वॉल्केनो वगैरह में। बाकी बात करें यहाँ पे प्रिपरेशन की, सो प्रिपरेशन यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने थोड़े से आर्मर वगैरह लिए, जूते लिए, हेलमेट लिए, बाद में चेस्ट प्लेट्स वगैरह, ग्लव्स दो ही है। और बाकी यहाँ पे देखा जाए तो मतलब टोटल 4 आर्मर्स लिए। बाकी यहाँ पे ये पीने के लिए एनर्जी ड्रिंक, खाना पीना, बाकी यहाँ पे एक स्वॉर्ड लिए, एक शॉटगन लिया, और एक कंपाउंड बोले, कंपाउंड को एमो नहीं ली मैंने, एक जगह को एमो ले दो। देखो कंपाउंड होगा ना इतना यूज़ नहीं, मतलब डंजन में ना इतना ज़्यादा इस बार आई डोंट थिंक यूज़ है, बट हाँ कंपाउंड बो का डैमेज अच्छा है, इसलिए मैं उसे ले रहा हूँ। क्योंकि आई थिंक नो आर्मर की ब्रॉन्टो की रूम इस बार आने वाली, पिछले बार आई थिंक नो आर्मर की कार्नो की थी, इस बार भी कार्नो की है शायद, तो नो आर्मर की कार्नो की रूम है कि ब्रॉन्टो की, सही से पता नहीं, बट हाँ आई थिंक ब्रॉन्टो की रूम है इस बार, जो कि आई थिंक 15,000 या 12,000 हेल्थ आई गेस आएगी। देख दे अभी डंजन में जाएंगे तो पता चली जाएगा। बाकी चल पेवड़ा सिंह, सो मिस्टर डेन है कि मिसेस डेन है, मेरे को भी याद नहीं अभी, आई थिंक ये मिसेस डेन है, आई गेस सो, पता नहीं। सो अभी ऑब्लिक पे पहुंचते हैं, फिर बाकी की बातें करते हैं। A few moments later. भाई मैं ऑलमोस्ट ऑब्लिक पहुंच गया था, बट बाद में मेरे को याद आए कि वो सिमोबॉइट और वो क्या उड़ने वाला पंख बिंग, और एक टॉर्च मैं ली नहीं तो मैं ले लेता हूँ। बिकॉज सीन ऐसा है कि डंजन में बहुत बार अंधेरा होता है और मेरे साथ वो सीन होते रहता है, तो भाई iOS में अलग प्रॉब्लम होता है, एंड्रॉइड में आई थिंक क्लियर होता है, वाइपर बोलता है मेरे को, बट iOS में पूरा अंधेरा हो जाता है, मेरे को नहीं पता क्यों होता है, बट वही 1.9 GB के अपडेट की वजह से ये सारे सीन्स होते रहते हैं। पता नहीं हम लोग में कब फिक्स होगी कि हम लोग में कुछ ज़्यादा ही रिलैक्सिंग कर दिया कि भाई घंटा दिखाई नहीं देता। एनीवे पब्लिक पे पहुँचने दो मेरे को। ओके सो देखते हैं भाई कि क्या क्या लूट है। मेरे को लूट पता है वैसे, देखी तो है, बट फिर भी खुल जा भाई क्या हो रहा है। ओके सो ये डंजन मीडियम है, द स्टार स्टार क्रॉस पल्ली ब्रीथिंग वगैरह कुछ नाम है। बाकी यहाँ पे हम लोग को टेक गॉन्गलेट्स है, स्लीपिंग पॉड है, फैब्रिकेट स्नाइपर राइफल हमें चाहिए और नहीं चाहिए, और टेक हेलमेट हमें नहीं चाहिए। मेरे को स्लीपिंग पॉड चाहिए बिकॉज मैं आर्मर वगैरह बाद में बनाकर सोच रहा हूँ, मेरे को पहले एक स्लीपिंग पॉड की जरूरत है, तो आई थिंक अगर मेरे को मिल ही जाएगा मैं सेवन से खेल लूँगा। बाकी पहले मेरे को अंदर जान दो, बिकॉज एक सेकेंड रुको, मेरे को एक चीज़ ना इसमें, व्हाट द हेल, ये क्यों भाई, ये दो चीज़ें कहाँ गायब हो गया अचानक भाई, ये अलग ही ना कराए। ओके सो भाई खतरनाक से वो एडवर्टाइजमेंट, तो भाई ऐसी एडवर्टाइजमेंट आती है ना यार, कभी कभी कसम से बोलता हूँ, उस एडवर्टाइजमेंट से फाइनल लड़के में आ गया। और यहाँ पे चाहो तो ग्राफिक कम ही कर लेना तुम लोग, क्योंकि मतलब तुम लोग के ऊपर डिपेंड करता है। मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करना चाहता हूँ कि क्या मैं मीडियम में डंजन कर सकता हूँ, क्योंकि मैं रिस्क कभी नहीं लेता, क्योंकि भाई कभी गेम गलती से क्रैश, सोलो में फिर भी कोई दिक्कत नहीं लगती, मल्टीप्लेयर में क्रैश मार गया खत्म, डंजन में मेरे को कितना भी वो लोग कॉल देते मैं पी ही जाऊंगा। सो इसलिए अब मैं जो मीडियम में नहीं ट्राई करता डंजन, बट इस बार ट्राई करके देखेंगे, सोलो में फिलहाल देखेंगे, बाद में मल्टीप्लेयर में तो क्रैश होते ही रहता है, वहाँ तो बच के रहना ही पड़ता है। बट यहाँ पे एक सेकंड रुको, इसको मेरे को इसका इम्प्लांट ले दो, बिकॉज सीन ऐसा है कि मेरे को ना ये एक तो भाई होली कलर के पूरे टोटली, और सीन ऐसा है कि भाई इनके लिए वो पेड़ वेड़ पे छुपे रहते तो ढूंढने में बहुत दिक्कत होती है, तो बेटर है कि मैं यहीं से ले लूँ। बाकी यहाँ पे एक लावा जमे, मेरे को पता है, देखो ऊपर दिल बना है, बट बाकी मेरे को माँ का कुछ ज़्यादा ही अंधेरा नहीं है इस बार, नहीं सच में बोलता हूँ, पहले इतना नहीं था, बाहर रात है इसलिए अंधेरा है क्या डंजन में, ये चीज़ मेरे को क्लियर कर सकती है। ओके सो यहाँ पे हम लोग सिम्बियॉट के बिना, ओके मैंने नेम भी सही लिया, आई थिंक सो हम लोग भी सिम्बियॉट के बिना जम मार के तुम लोग को दिखा दो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, देखो कि सिम्बियॉट ही होना चाहिए, रुको सबसे पहले तो कि पहली जंप, ओके वेरी गुड जंप, ओके ऐसा, ओके अभी ये देखो अंदर, वेरी गुड ये अंदर जाएगा, मेरे को पता था ये सीन, जंप और ये जंप, वेरी गुड। ओके सो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिम्बियॉट के बिना, मतलब सिम्बियॉट के बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते। मैं सिम्बियॉट सिर्फ इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि वो उड़ने वाला, जो भी अगर मैं गलत नाम ले रहा हूँ तो सॉरी, उड़ने वाला मैं सिर्फ इसलिए लेके आया हूँ पंख, क्योंकि अगर मेरे को लगे कुछ ज़्यादा रिस्की है तो मैं वो यूज़ करता हूँ, वरना वो उसके साथ भी यूज़ करेंगे, लेकिन वो लाए तो उसका भी प्रायश्चित करेंगे,
पहले मेरे को यहाँ पे क्रेट्स लूटने दो, और ये डंजन में कसम से बहुत ज्यादा भागना है शायद, बट हाँ इससे मेरे को याद है, देखो अगर थोड़ा सा डंजन आगे फास्ट फॉरवर्ड भी हुआ तो मतलब होने ही वाला है, पूरा तो पूरा मैं एपिसोड नहीं कर सकता इस पे, तो थोड़ा बहुत तो आगे फास्ट फॉरवर्ड होने ही वाला है वीडियो। भाई मेरे को ऐसा क्यों लगता है कि मैं यहाँ पे बेफालतू है, बिकॉज यहाँ पे कोई रूम नहीं थी, बस लूटना था और उसके लिए वापस से लाओ जम की दाव लगानी पड़ेगी मेरे को। एक सेकेंड रुको, सो आ जाओ ऊपर के, जंप, वेरी गुड, जंप, वेरी गुड, ओके। भाई मेरे को एक सेकेंड गाइज, मेरे को एक काम करने दो, मेरे को गेम सेव करने दो, बिकॉज मेरे को बहुत स्ट्रांग फीलिंग आ रही कि मैं मरने वाला हूँ, तो मेरे को गेम सेव करने दो। ओके मैं फर्स्ट रूम के आस तो पहुँच गया जो कि मैमथ की रूम है, आ जाओ भंडी खास है कि पता नहीं, और मैं इसको शॉटगन के साथ करना रहा, बाकी ये अभी कितने पावर, ओके आ गए इसके हेल्थ, ओ भाई साहब 5-5, 6-6 हज़ार हेल्थ, इनको ख़त्म करने में बहुत टाइम लगने वाला है, बिकॉज सीन ऐसा है कि मेरे शॉटगन सिर्फ 140 डैमेज की, मेरे को कोई तो पूछ रहा था, लेकिन एक सेकेंड ये मेरे को गुलाबी दिल क्यों दिखा रहे भाई इनके दांतों से, भाई आर्क ये मेरे को गंदे गंदे इशारे कर रहे हैं भाई, मेरे को एक सेकेंड मेरे को इनसे बचाओ भाई, ये मैमस के इशारे मेरे को सही नहीं लग रहे, ये देखो भाई गुलाबी दिल करके भाई दांतों से दिल दिखा रहे भाई ये लोग मेरे को, गंदे गंदे इशारे कर रहे, भागो ऐसे उर भागो यार, एक सेकेंड रिलोड भाई मार ले, एक सेकेंड रुको भाग भाई, मेरे को उसके पीछे भी एक था, मेरे को लगा फर्स्ट वेव हो गई, भाग ऐसे भाई बहुत कितना 5-5, 6-6 हज़ार हेल्थ देते हो यार तुम लोग, उतनी शॉटगन भी नहीं देते जल्दी, रुको मेरे को भाई उसके दिल दिल बनाते भाई, ऊपर से गुलाबी कलर आ रहा है उनके दिल में वो दांतों से, इनके समाप्ति का वक्त ऑलमोस्ट आ चुका है, रुको भाई ये टाइमिंग पे रिलोड, भाई गुलाबी दिल दिखाना बंद करोगे, वैसे बहुत इरिटेट हो रहा हूँ, मेरे को कोई वैलेंटाइन्स ये करने की कोई जरूरत नहीं, ओके फाइनली क्लियर हो गए, साले ठरकी मेहमत कही गई, शर्म नहीं आती, 6-6, 7-7 एक छोटे से इंसान पे टूट पड़ते हो भाई, तुम मेरे पे पैर भी रख दिया कुछ चल जाएगा भाई मेरा बंदा, शर्म भी नहीं आती भाई यार, वैलेंटाइन को किसी हद तक रखो यार, आर ये दिल दिखा रहे हैं, क्या मतलब हुआ भाई इन चीज़ों का, सी पूरा मूड खराब हो गया भाई मेरा, एनीवे जोक्स अपार्ट, मेरे को अभी यहाँ से निकलने, तो जोक्स अपार्ट नहीं भाई वो सच में अच्छी वाक, मैं सोच भी नहीं सकता वाक, एनीवे सो यहाँ से मेरे को अभी जान दो, ये देखो यहाँ पे अच्छे पैटिस वगैरह, इतना अंधेरा क्यों है यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, पता है क्या प्रॉब्लम है पता नहीं, बट सच में बहुत ज़्यादा अंधेरा है, पिछले बार नहीं था, मेरे को क्यों ऐसा लगा है कि मैं शाम अभी को बाहर रात है आई थिंक, तो इसी वजह से यहाँ पे कुछ रात का सीन हो रहा है, मेरे को क्यों ऐसा लग रहा है, ओके प्रीमियम क्रेट है तो मेरे को देखने तो इसमें से क्या मिलता है, एक सेकेंड मेरे को क्या मिला, ओ भाई एक सेकेंड मेरे को ये डंजन पूरी करनी है, मेरे को पता नहीं हर बार एक ऐसी चीज़ मिलती है जो मेरे को मकसद देती है डंजन कंप्लीट करने का, बिकॉज ये जो रोप मिली है ना ये टॉय, इससे जो है 2S मैचुरेशन वगैरह कुछ सीन है ऐसा कुछ है कि जल्दी जल्दी होगा, और मेरा बेबी ग्रिफिन बहुत स्लो बढ़ता है वो कमीना कहीं का, सो मेरे को उसके लिए चाहिए, वापस से एक बार मेरे को इस खतरनाक पहलू का सामना करना है, लेकिन इस बार मैं सिम्बियोट लगा के करूंगा, बिकॉज मेरे पास भाई वो रोप है और मैं उसको जाने नहीं दूंगा, तो जंप पैंडी नहीं रुक, सॉरी चिल्लाने के लिए मेरे को डर लग गया था भाई, मेरे को लगा मैं गिर जाऊंगा क्योंकि मैं गलत ही जंप लिया, मेरे को थोड़ा सा वो ये नहीं, एक सेकंड को मेरे को पंख निकालने दो, मैं क्या लेके भाग रहा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पंख है भाई मेरे, उसको रिपेयर करने का खर्चा लगता है, ओके सो अभी हम लोग को, मेरे को वैसे तो पता नहीं भाई, मेरे को क्या तुम लोग कमेंट करके बता सकते हो इनमें से कौन सी पाइपलाइन तुम्हारे घर पे जाती है, बिकॉज एक सेकंड में वापस पहली जगह पे आ गया, ओके अब यहाँ से मेरे को जाना है ऊपर की तरफ ना, ये हम लोग साइड में जाते हैं पहले, साइड वाली एक रूम है डोडो की वो कंप्लीट करनी है अभी हम लोग को,
इसमें ना भाई सच में बहुत ज्यादा भागना है, पता है कंटाला आ गया भाग भाग में मेरे को। एक सेकेंड भाई ये क्या है, मेरे को पहले क्या लगा पता है, एक सेकेंड मार भाग ऐसे, एक सेकेंड की मेरे को लगा रूम में घुस गया भाई, मेरे फटके हाथ में बोले ये कौन सी रूम है, मेरे को लगा वो चोरी करने वाला क्या नाम है उनका, पता नहीं मैं भूल गया उनका क्या नाम है, मैंने लगा वो है भाई। एक सेकेंड मैं इनका इम्प्लांट लेता हूँ, एक दो है ओविराप्टर 110 लोग है, क्योंकि भाई मेरे को अगर अंडों के लिए कुछ ज़रूरत पड़ी तो काफ़ी सही चीज़ है, एक और ले लेता हूँ बिकॉज ये भाई इस बार के इरीज बहुत अच्छे हैं आजकल पता है, ओपी ओपी वाले इरीज है। ओके बाकी ओविराप्टर्स मेरे को तुमसे कोई केयर नहीं है, बाकी अभी हम लोग एक सेकेंड यहाँ पे इधर एक क्रेट है, मैं वही बोलूँ इधर इतने ओविराप्टर की इतनी इसमें से कुछ अच्छा मिलना चाहिए वैसे। हाँ तेरे बाप का माल है ना। ओके सो अभी हम लोग पहुंच चुके आई थिंक डोडो वाली रूम पे, और ये वाली रूम आई थिंक डोडो की है, और इसको हम लोग जो है भाई शॉर्ट से कम्प्लीट करेंगे। बिकॉज डोडो की कुछ हेल्थ कितनी आएगी पता है, 800 से 900 आई थिंक आएगी, या मैक्स 1000, तो मेरे को नहीं लगता इतने मुश्किल है, तो शॉर्ट से हो जाएगा ये, बाकी घुसने तो अभी रखो देखने हो। एक सेकेंड ये स्लो करता है। ओके सो यहाँ पे हम लोग स्लो होने वाले, आ जाओ भाई डोडो। एक सेकेंड मेरे को आर्मर को क्या ज़्यादा डैमेज नहीं दिया था मैम ने इतना, ओ भाई माँ कुछ इतने पड़े मेरे को लगा नॉर्मल साइज के होंगे। ओके ज़्यादा हेल्थ नहीं हो गए भाई, 500-600 भाई बराबरी का तो मुकाबला कर लो, इतना इतने बच्चे वाले क्यों आ रहे हो, कम कुछ नहीं ज़्यादा नहीं। वैसे अगर मैं बोलूँ भी तो क्या भाई कि तुम लोग इससे करो, तुम लोग कोई करने ही नहीं वाला, ऑलरेडी ये कम्प्लीट हो चुकी होगी जब तक यह वीडियो अपलोड हो चुकी होगी, और तब तक डंजन हो चुकी होगी, जा चुकी भाग ना यहाँ से जा चुकी होगी। ओके वो एक वो देखो कैसे आ रहा है भाई ऐसे, पर ये इजी है पता है, ये वाली रूम कुछ ज़्यादा ईजी है एक्चुअली, डंजन बहुत ज़्यादा ईजी। उसको इम्प्लांट भाई, उसको इम्प्लांट निकालो तो क्या कलर है, इम्प्लांट ही नहीं है, वाह आ जाओ। ओके फाइनली ये कंप्लीट हो चुका है। सो अभी मेरे को यहाँ से, मुझे पहले तो रुको एक घंटा समझ में नहीं आता यहाँ से, पता है प्रॉब्लम क्या है मेरे को एक्चुअली, मैं अब तक 3-4 डंजन्स मैंने फाइनली खुद बाखुद कर ली किसी के बिना हेल्प के फाइनली सोलो में, बट स्टिल मेरे को मैप राइट में, जब वो बोलता है कि राइट में जाओ तब मैं राइट में जाता हूँ तो वो होता लेफ्ट में, राइट में दीवार होती है, जब वो दिखाता है कि लेफ्ट में जाओ तब मैं राइट में जाता हूँ तो वो लेफ्ट में होती है, जब वो बोलता है लेफ्ट में जाए तब मैं लेफ्ट में जाता हूँ तो वो राइट में होती है, जब मैं राइट में जाता हूँ वो राइट में, पता नहीं इतना कन्फ्यूजन क्यों है भाई, कुछ समझ में ही नहीं आता मेरे को, बहुत हमेशा का नाटक, मैं राइट में दिखाता है मैं लेफ्ट में जाता हूँ तो वो लेफ्ट में होती है, तो कभी राइट में दिखाता है तो राइट में जाता हूँ तो राइट में नहीं होती लेफ्ट, पागल हो जाऊँगा मैं किसी दिन कसम से बोलता हूँ। बट कहने का मतलब यही कि बहुत कन्फ्यूजन है यार। ये देखो ये जो रूम होगी ना पक्का ये वाली ब्रांडो की रूम होगी, तो मैं इसको कंपाउंड बो से करूँगा, शॉटगन से कर सकता हूँ बट कंपाउंड बो अच्छा है, तो आ जाओ भाई। एक सेकंड व्हाट द हेल भाई, रूम सामने से स्टार्ट होती है, तुम यहाँ से क्यों देर दिखाते हो, तुम्हारा सारे इल्यूजन्स के तुम्हारे पिलर तोड़ देना है मैंने किस दिन, आ जाओ भाई ब्रांटो की तरह, पता नहीं ब्रांटो अभी कितना छोटा होगा, आई थिंक बड़े तो नहीं हो सकता, कितना भी कर लूँ किसी दिन दम है ना, और तुम गीगा डालो फिर तुम्हें बताता हूँ मैं। जिस दिन भाई डंजन में गीगा आया खत्म, उस दिन बात ही खत्म, 10,000 हेल्थ होनी चाहिए उसकी, बट फिर 1,000 भी हेल्थ होनी चाहिए, बट डैमेज वो होना चाहिए जो रियल गीगा का, फिर देखता हूँ कौन कौन डंजन कंप्लीट कर पाता है भाई, मज़ा आ जाएगा। ओके रुको, ओके ओके देखो कंपाउंड का डैमेज तगड़ा है वैसे, बातों बातों में पता नहीं चला कि मैंने उसकी कम हेल्प कर दी। ओ ओके अरे इजी बीजी है कोई ज़्यादा चीज़, बट पता है एक बात बोल देता हूँ, ये नॉर्मल रूम है और इसने एक शॉट भी मेरे को मारा ना मैं सीधा ख़त्म हो जाएगा, मेरे सारे सपने उजाड़ दे गए माँ कसम, ये कहाँ जा रहे हो, रेलवे जैसे जुक 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 चल रहा है, उसका धुआं निकल रहा है पीछे से। एक सेकेंड ओके सो फाइनली ये रूम भी कंप्लीट हो चुके हैं। एक सेकंड मेरे को इसके एवरोदे और मेरे को इससे इम्प्लांट लें, तो हम लोग ईरी ब्रांटो करने वाले सोलो के अंदर, ऑफलाइन ही करूँगा, ऑनलाइन तो मेरे हिसाब ऑनलाइन ही बोल रहा हूँ वीडियो में, मेरे हिसाब से तो मैं नहीं करूँगा, मेरे को बताओ क्या हम लोग ब्रांटो को टेम, ईरी ब्रांटो को टेम ऑनलाइन ही बोल रहा हूँ, क्या कहना था, अब ईरी ब्रांटो का टेम हम लोग वीडियो में करें या फिर ऑफलाइन ही कर लो, ऑफलाइन करना है तो ऑफलाइन कर लूँगा कोई बड़ी बात नहीं, एम्बर तो हमारे पास भर भर के है, क्या हमारे पास भर भर के एम्बर हमने जमा करके रखे, कोई दिक्कत नहीं है, पहले टॉर्च ऑन करें तो इतना अंधेरा क्यों है कसम से समझ में नहीं आता मेरे को। ओके भाई ये क्रेट में से कुछ अच्छा मिल जाए तो अच्छी बात है, वेरी गुड, ऐसी चीज़ें क्यों देते हो भाई जिसके बनाने की मेरी औकात ही नहीं है, ये तो फिर भी ठीक है, असेंडेंट वाली कैसे दे देते हो यार तुम लोग, गॉड कंसोल तो तुम लोग फ्री में देते नहीं हो भाई, कैसे दे देते हैं लोग।
मैं फिलहाल दिल में आ चुका हूँ, समझ में तो तुम लोग के नहीं आऊंगा, लेकिन दिल में जो आ चुका हूँ फिलहाल, मैं दिल के एक रास्ते से भाई जा रहा हूँ फीचर क्रिएट की तरफ, और मैं तुम लोग को रुको दिखाता हूँ, बट एक सेकेंड, वो सैन कलर का क्या है भाई? ए भाई ये बटाटा पैटिस एचो पैटिस भाई, ये एक सीन क्यों देखो, ये दिल के रास्ते में मैं फिलहाल आ चुका हूँ, और यहाँ पे हमारी फीचर क्रेडिट जो हमें टेक की चीज़ देंगी, और होपफुली फैब्रिकेटेड राइफल ना मिले मेरे को, वो चाहिए भी नहीं है क्योंकि वो पता नहीं मैं बना भी पाऊंगा कि नहीं, बट फिलहाल अभी मेरे को इसमें से कुछ अच्छा नहीं मिला, तो मैं सेव ऑन सेव खेलते रहूँगा, और मैं सेव करके तो आगे मैं देखता हूँ मेरे को क्या मिलेगा। सो आई थिंक मेरे को ओके, सो फाइनली मेरे को टेक स्लीपिंग पॉड मिल गई, और मैं कसम से बोलता हूँ जस्ट मेरे पे तुम लोग को ट्रस्ट करना होगा, एक सेकंड मेरे को पहले इसको थैंक्स कहने दो, इतनी अच्छी चीज़ दिया थैंक्स तो बनता है, और मेरे को तुम लोग को मेरे पे ट्रस्ट करना होगा कि मैं एक सच बात बताता हूँ, मैंने इसको फर्स्ट टाइम भी कर लिया, मैं सेव करके आ गया, बट मेरे को पहले टाइम में मिल गई स्लीपिंग पॉड, मेरे को स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ तो रही थी, बट अभी मेरे को दिल के इस कोने से वापस जाने दो। हाँ यार कितनी अजीब जिंदगी भाई, मैं दिल में आता हूँ समझ में नहीं। चलो चलो चलो, लेट मी टेल यू वन थिंग, यहाँ पे हम लोग एक रूम जो है स्किप करने वाले टोटली, बिकॉज मैं तुम लोग को बता दूँ सीन क्या है। देखो ये वाली जो रूम है, ये वाली रूम किसके, मैं खुद भूल गया एक्चुअली, मेरे को याद नहीं आ रही किसकी रूम है, बट जिसके भी हम लोग इसे नहीं करेंगे, आई थिंक वो कीड़े मकोड़ा अरानियोस के और डिलोफोस के, जिसमें सिर्फ दो क्रेट है, जिसमें एक में सैडल मिलेगा एक नॉर्मल क्रेट है, तो हम लोग को सैडल तो हमारी औकात है नहीं बनाने की, उनको वो लोग पता नहीं हम लोग का मुँह देख के हमें क्यों चीज़ें नहीं देते, वो लोग का ऐसा है सबको सेम देते, बट उन्हें एक औकात देखनी चाहिए बंदी की, और मेरी औकात तो बिल्कुल नहीं कि मैं सैडल बनाऊँ। सो इसलिए हम लोग ये रूम करेंगे, उस रूम में सिर्फ दो क्रेट के लिए हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सो ये रूम है कार्नो की, और यहाँ पे कुछ वेव्स आएंगी, और उसके बाद हम लोग को ओके यहाँ पे मेरे को यूनिकॉर्न का आवाज़ भी आ रहा है, जो मेरे को पहले से आ रहा है वैसे देखा जाए तो। हाँ मेरे को यूनिकॉर्न अब तक नहीं मिला अबे, एनीवे सो यही से बॉस फाइट हो गया, हम लोग शॉर्ट से मारेंगे ऐसे भाई, मैं फुल रेडी हूँ सेव व्यू करके, अगर मर गया तो वापस आऊँगा, लेकिन मरने नहीं वाला मैं किसी भी हालत में। शॉर्ट गन भी यहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बट मैं शॉर्ट करूँगा क्योंकि शॉर्ट गन मैंने रखी उस गोरीले के लिए, उस बांदर के लिए, मोटा सा सांड जैसा वो बड़ा सा राक्षस का बच्चा, वो क्या किंग कॉन्ग कहेगा वो आने वाला है उसको मारने के लिए। माँ कसम ये तुझसे क्यों है बे? ओ ओ ओ एक सेकेंड, ओ भाई इनकी हेल्थ ज़्यादा है बे, मैं सोचा इनकी भी बन के ओके भाई, इनका हेडबट पोकेमॉन है क्या भाई? हेडबट जैसा अटैक है भाई इनका, कितना तगड़ा डैमेज दे रहे हैं हेड से, मतलब धक्का बहुत, ये देखो खुद ही उड़ गया, धक्का बहुत जोर से दे रहे हैं लोग हेड से। आज भाई FPP में खेलेंगे, हमसे FPP वैसे होता नहीं है, वो सिर्फ कुछ ही लेजेंड्स FPP में खेल सकते हैं, बट हम भी लेजेंड बनने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना, हम मार के दिखाएंगे भाई FPP में। FPP मेरे पास की बात नहीं क्योंकि FPP मेरे को दिखता नहीं है, बट ये बात सही है कि FPP में शॉट देखो ऐसे परफेक्ट रेंडर होते, और यही अगर गलती उड़ा TP में मैं करूँगा ना, घंटा शॉट्स नहीं लगते, तो FPP उस चीज़ के लिए काफ़ी सही है। फाइनली हो गया। सो फाइनली ये रूम भी कंप्लीट हो चुके, ज़्यादा मुश्किल नहीं थी, बट इरिटेटिंग बहुत ही साला, हेड से बहुत धक्का दे रहे थे, तो कोने में रह के ज़्यादा फायदे में रहा मैं। बाकी एक सेकेंड यहाँ पे फाइनली इस बार इतना दूर क्यों है, पहले माँ के ओके 70 लेवल का ये सिर्फ, और इसका नाम है रॉर कॉर, कुछ तो अजीब नाम है। मैं तुम लोग एक चीज़ बताता हूँ, मैं इससे पहले भी अभी ये दो बार डंजन में आया था, बट मैं तब वो उड़ने वाला लेके आना सिम्बॉट वगैरह भूल गया था, और तब मेरे को स्टार्टिंग में एक रूम करने के बाद ही मेरे को ये यूनिकॉर्न दिखा था 120 लेवल का, बट अब मेरे को अजीब फील हो रहा है क्योंकि तब मेरे पास वो नहीं था, तो मैंने फाइल रिस्टोर कर ली, तो मेरे हिसाब से अब मेरे को नहीं पता, तुम बोलोगे कि ये क्या ऐसा रिस्टोर विस्टोर का बहाना दे रहा है, वैसे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, बट या 120 लेवल का मैंने खो दिया मेरे हिसाब से, वरना मेरे को अच्छा खासा मिला था 120 लेवल का, कोई बात नहीं। सो रुको मेरे को अभी यहाँ पे एक टेक की क्रेट लेने दो, ओके यहाँ पे एक टेक की क्रेट से रनअप लेके लूटूंगा बैंडी, कोई अच्छी चीज़ ला के दे भाई, कुछ अच्छा मिल जाए प्लीज, टेक वॉल मिल जाए कोई बात नहीं, पूरा बेस्ट टेक से सजा दूंगा। चलो अभी घर जाएंगे ना, फटाक से सारी जगह पे टेक वॉल लगा देंगे, बट उसके लिए इम्प्लांट लगते हैं मेरे को बताया, औकात के बाहर है। एनीवे सो फाइनली हम लोग उस जगह पे पहुंच चुके हैं जिसका हम लोग को इंतजार था, बॉस फाइट जिसमें हम लोग लड़ने वाले हैं मेगापिथिका से, और उसी के साथ तीसरी चिप भी हमें मिल जाएगी जो हमें अपने बेस पे लगानी, एलिमेंट्स ना तो चलेगा लेकिन चिप मेरे को मिलनी चाहिए, वो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो लेकिन एलिमेंट मैं फेंकूंगा नहीं, ठीक है, मेरे को कोई तो बंदा बोल रहा था एलिमेंट फेंक दो, फिर नहीं फेंकूंगा नहीं, और ये वीकली डंजन ऑन करना भूलना मत क्योंकि पिछले बार मैं भूल गया था, मैं बेवकूफ आई नो। ओके चलो एंटर करते हैं, बिकॉज अभी हम लोग अंदर जाएंगे, उस मोटे को फटाक से हराएंगे, एलिमेंट्स लेंगे और ट्रॉफी लेंगे और फटाक से करने के लेंगे। हाँ मेरे को अभी याद है, चिप नहीं उसको आई थिंक ट्रॉफी कहते, और जैसे कि तुम लोगों को पता होगा, ये देखो सांड का बच्चा उधर आ जाओ, इधर उधर छाती पीटने से घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो गिर गिर के वो छोटे बंदर गिरते जो शॉट से इजीली मर जाते। बाकी मैं कह रहा था कि अगर तुम लोग को पता होगा, मैंने अपना फर्स्ट डंजन जो मेगापिथिकस को हराया था, जिसका वीडियो ऑलरेडी मैं
मल्टीप्लेयर का था जो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, आई थिंक 3 महीने पहले पता नहीं कब डाला है, बट भाई साहब ये धड़ करके आ रहा है। एक तो पता नहीं मेरे को, एक सेकंड रुको, मेरे को क्यों थोड़ा सा ना अजीब सा, एक साला पिछवाड़ा दिखा, ओ सॉरी गलती से उसके वो छोटे बंदर को मार दिया मैंने, बंदर लोग माँ क्या कितना बड़ा है, नहीं हाँ सॉरी मैं भूल गया था ये पत्थर भी फेंकता है ना। 6 महीने बाद लग रहा हूँ यार इससे, पुरानी दुश्मनी है बट 6 महीने बाद लड़ रहा हूँ तो याद नहीं, मार ले भाई जितना माना, आई डोंट केयर। अब ये बंदर गिरेंगे, इसके वापस से भागने दो मेरे को। एक तो बंदर लोग भीड़ कर देते, बट मैं कह रहा था कि मेरे को एक, मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, पता नहीं मैं बातें करूँगा कि नहीं ज़्यादा, मैं ऐसा बोल के बहुत ज़्यादा बोल देता हूँ, बट सच मेरे को थोड़ा सा अनकॉन्शियस फील हो रहा है, सो इसलिए मैं बातें ना क्या बिछवाड़ा दिख, गोली बम पे पड़नी चाहिए क्या तेरे, बम की दिखा रहा है बेचारा को। भाई साहब मेरे को ऐसे भागने दो, पता नहीं इसके छोटे बंदर फाइनली आ गया। अरे बच्चे लोग एक सेकंड रुको गाइस, मेरा टॉर्पर भी, वो छोटे बच्चे ने अगर मेरा टॉर्पर बढ़ा दिया ना, उनको मेरे को थोड़ा रिकॉर्ड बन दो। वो देखो ये देखो इसको, आ जाओ बैठ, तुम्हें काटा नहीं ना, मेरे नाम बदल देना। भाव सब ये सामने हो गया मेरे, मेरे को पता ही नहीं भाई ये इस साइड है, ये ऑलमोस्ट मरने वाला है बिकॉज ये गलती से एक सेकेंड नहीं सॉरी पापा को मारा, इतना क्या दर्द होता है भाई, तुम्हें पापा की प्रॉपर्टी तुम्हारी होगी, समझा करो यार तुम मेरे को। हाँ क्या कहा बंदर बा कैसे, और ये देखिए इनमें तो भाई अलग ही अनकॉन्शियस मत, अनकॉन्शियस मत करो ना, तुम्हें प्रॉब्लम क्या, वो कहाँ गया बे, वो कहाँ चला गया वो, नहीं वाह अब मेरे को पता है मेरे साथ क्या होने वाला है। आर्क यार क्यों करते हो ऐसा यार भाई, वो बैक नहीं होना चाहिए आर्क। ओके क्रॉस फिंगर्स भाई की मैं बैक नहीं जाना चाहिए भाई। ओके मैं कहा, वाह भाई बहुत नुकसान हो गया पता है मेरा, देखो इसकी हेल्थ देखो जरा भाई, 40,000 थी अभी तो फिर भी 36 तक लाया कैसे करके भाई, पता नहीं क्यों करते हैं लोग मेरे साथ ऐसी चीज़ें। एटलीस्ट भाई डंजन में हर मोमेंट पे गेम सेव कर दो यार, शर्म नहीं आती, मोटी के बच्चे बाढ़ में जाए तेरी, तू पत्थर फेंक के आ रहा, तुझे पता था मैं भी, रुक तेरे को मैं एंड में शॉर्ट से नहीं मारा, मैं नाम बदल देना मेरा, नहीं मारा मैंने चैनल डिलीट कर देगा मैं अपना, कसम से बोल दो भाग भागो ऐसे भाई, एक तो भसड़ इतनी मचाते भाई, सबसे बदला लेगा मैं भाई, मेरे गेम का, मेरे लैग का, मेरे फ़ोन का, सबका बदला लेगा मैं। रुको तुम लोग, मैं एक किसी को नहीं छोड़ेगा, जाड़ी है साले खा खा के मारो मत। ए भाई एक सेकेंड बंदरों, तुम में से दिल क्यों निकल रहे यार, अगर निकल रहे तो पहले वो चीज़ करो जिसके लिए तुम्हारे दिल निकल रहे। ये भाई बाप बेटे की, बाप बेटे बोलो माँ के, तुम वो बाप है, तुम लोगों का बाप है, लेकिन मैं प्लेयर हूँ, प्लेयर और बाप के बीच की बात है यार, तुम बीच में क्यों पड़ रहे हो, मोटे रुक तू, तुझे मैं बताता हूँ तुझे भाई, भाग माँ के, मैं तुझे बताते रुक पूरा भाई, घुस जा कैमरा में, घुस जा पूरा घुस जा कंट्रोल भाई, अब भी अगर क्रैश मारा ना बहुत मेहनत से भाई के, तब भी इधर ही पोजीशन में था ऐसे, 11 के हेल्थ थी तब उसकी, पता नहीं रुक पता नहीं, ओ बाबा भाई साहब कहाँ तक धक्का दिया भाई उसने मेरे को, इतना क्या गुस्सा आ गया भाई, अभी गेम क्रैश हो गया ना भाई, मर गया मैं तक फिर तुम्हारा खत्म भाई, कभी वापस नहीं मिलूंगा मैं, अब गेम क्रैश हुआ। एक सेकेंड वो कहाँ गया सांड बच्चा मोटे, एक तो बम देखो कैसे ऊपर करके ऐसे टू 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 चलता है, मैं बोला था तुझे शॉर्ट से मार दो भाग, ऐसे हार्वेस्ट भी करेगा पूरा, मिल जा प्राइमेट बिमेट कुछ मैं, नहीं सॉरी रुको रुको काम ली लो एक सेकेंड भाई रुको माँ कसम काम ले लो भाई, मस्ती मत करो भाग ऐसे, चल भाग ऐसे। ओके भाई साहब ये ऑलमोस्ट मार देता भाई, आर्मर तोड़ दिया मेरे को, एक्चुअली उनके पास नहीं जाना चाहिए, ओके एलिमेंट मिले मेरे को। एनीवे सो आज के लिए बस इतना, एक सेकेंड रुको भाई, आज के इसके लिए कैसे इतना भाई, कितना तकलीफ देते हैं भाई तुम लोग, मैं डेंजन करना छोड़ दूंगा तेरे मुंह का हुलिया बदल दिया माँ कसम, देखो आग फिर भी बच गई, ज़्यादा बोलता है ना, रुको इसके सामने फोटो खींचेगा, देखता हूँ भाई क्या उखाड़ता है, ये ले भाई यहाँ से मैंने खींची फोटो, ले उखाड़ जो उखाड़ने दम, मैं उठ रहा पीछे लेकिन उड़ गया ना कसम से पीछे से, है नहीं है चल बाय बाय, मज़ा आया तेरे साथ भाई, मैं तो ऐसे ही आया था सोचा प्यार से करूँगा, तू भाई झगड़ा कर लिया मेरे से। एनीवे रुको अभी यहाँ पे भाई बहुत बार क्रैश मारता है मेरा गेम, शांति से पहले लैंड होने तो ज़मीन पे, ओके और यहाँ पे मेरे हिसाब से अंधेरा है, मेरे बंदे को ऐसे ही थक गया मेरा बंदा, सो ही लेता हूँ मैं, रुको भाई नींद धो दो भाई, खराटे मार रहा है बड़वा उठ जा। ओके सो फाइनली हम लोग वापस से बेस पे सही सलामत, दो पाँव दो हाथ एक सर पेट नाक वो चीज़ सारी के साथ सही सलामत वापस घर पे आ गए। रुको ओके ये एक तो पता नहीं, ये भी एक मिथ है बहुत देखा जाए तो, क्योंकि गायब बहुत चीज़ मतलब
डंजन से जैसे हम लोग यहाँ पे आते हैं ना, वो काला काला हो जाता है, वो ग्राफिक सेट करने थे तब होता है। बट एनीवे, सो यहाँ पे हम लोग को यूनिकॉर्न का इम्प्लांट भी मिल गया, यूनिकॉर्न का, और उसे हम कब रिवाइव करेंगे और कब टेम करेंगे पता नहीं, बट उस पर ऑब्वियस ही बात है एक वीडियो तो जरूर आएगी। बट आज के लिए बस इतना ही, होपफुली आज का जो वीडियो आपको पसंद आएगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक जरूर कर देना, मेक श्योर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज डिस्कॉर्ड पे जो डंजन के मैप अपलोड होते रहते हैं, किंग नाम के ब्रदर वो मैप जो अपलोड करते हैं मेरे भी, और वाइबर के हैरी किस पे पता नहीं करते कि नहीं, वो भाई वो अलग ही नशे का बंदा है। बट हैरी और मेरे, सॉरी वाइपर और मेरे इस पे तो अपलोड हो जाते हैं। बाकी मैंने इसको ओके, ये टॉय तो मैंने दे दिया फाइनली, पता नहीं एक्सेप्ट का क्या आ रहा था, बट आई थिंक वैसे ही देना पड़ता है। और उसके बाद ये होने के बाद आई थिंक वो गायब हो जाएगा टॉय, मतलब जैसे ही वो उसका पूरा मैचो हो जाएगा तो आई थिंक ये टॉय गायब हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो काफ़ी सही, सब में यूज़ करेगा, बट मेरे को पता है वैसा कुछ नहीं होगा, गायब हो जाएगा। एनीवे, सो एक सेकंड, एक इंपॉर्टेंट चीज़ करते हैं, हम लोग ये ट्रॉफी फाइनली यहाँ पे रख देते हैं। सो इसको एक्चुअली ट्रॉफी कहता आई थिंक, और मैं बेवकूफ जैसा चिप कहता था, यू नो आई एम नू यार। एनीवे, सो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे फिर ऐसे और एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, तो चलेगा आज, तब तक के लिए एक सेकंड यहाँ पे तुम लोग को एक, भाई मेरा आर्मर भी सब कुछ तोड़ दिया यार, कसम से बोलता हूँ। एनीवे, सो तब तक के लिए गुड बाय। We'll be right back.